नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की हलचलें भी तेज होती जा रही हैं। इस वक्त हम मड़ियाहूं विधानसभा से बीजेपी के प्रबल दावेदार मनोज सिंह जी के साथ में हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि अगर जनता उनको जनादेश देती है तो वो लोगों का जो भरोसा है उस पर कितना खरा उतर पाएंगे और किस तरह से मड़ियाहूं विधानसभा को विकसित करने के लिए काम करेंगे। मड़ियाहूं अगर मुझे मौका मिला पार्टी की तरफ से और मड़ियाहूं का अगर मैं विधायक बना और पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप से विधायक बनूंगा, क्योंकि इतना मैं अपने ऊपर कमांड करता हूँ। मड़ियाहूं में मैं घर घर गांव गांव मैं 15 साल से मैं मेरा लोकल विधानसभा और मैं जनता के बीच में बराबर में बना, तो मैं जनता से मैं वादा करता हूँ और जनपद वासियों से मैं ये वादा करता हूँ और अपने दल अपने पार्टी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से भी मड़ियाहूं के मैं पूरे जौनपुर में नहीं पूर्वांचल के एक आदर्श विधानसभा बनाऊंगा, एक मेरा ये उद्देश्य रहेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत से बनने जा रही है। ये किसी को निसंदेश नहीं होना चाहिए। सपोज दैट सर, अगर ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, आपको मंत्री बनाया गया, सपोज दैट मान लीजिए, तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप देखते होंगे दूरगामी, अगर दूरगामी दृष्टि से देखा जाए 15,000 से 20,000 रुपए की नौकरी के लिए युवा पलायन कर जाता है, परिवार दुख दर्द से जूझता है, कभी कभी ऐसी विपत्ति आ जाती है कि 15 से 20 में जो थोड़ा बहुत वो सेविंग किया है उस त्रासदी में उसका वो भी चला जाता है, कर्ज में भी डूब जाता है, उसका भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। युवाओं का पलायन रोकने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? अगर भविष्य में आप यहाँ से विधायक बने और सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी तो आप किस तरह से, अगर मान लीजिए मंत्री बनते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? मैं आपको बताऊं, 4.5 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 5 साल बीतने वाला है, जब अखिलेश यादव के यहाँ जब सरकार थी, अखिलेश यादव एक वर्ग विशेष के नौजवानों की भर्तियां की थी जी। मैं आपसे इसलिए भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, केंद्रीय विश्वविद्यालय मेरे रिजीम में बनी, इलाहाबाद में पब्लिक सर्विस कमीशन है। जब जब समाजवादी की गवर्नमेंट बना है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उसके जो चेयरमैन हैं वो यादव ही रहे हैं। और मैं खुल के मैं बात करना चाहता हूँ, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जितनी भी भर्तियां हुई हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से, हर वर्ग के एक समान, एक रुपए कहीं देना नहीं पड़ा और ईमानदारी से भर्ती हुई है। 4.5 लाख से 5 लाख सरकारी नौकरी माननीय योगी जी ने दिया। और दूसरी बात है, समाजवादी का जब सरकार था 2012 से लेकर 17 के बीच में 5 साल, एक वर्ग विशेष की, चाहे वो पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे वो एसआई की भर्ती रही हो, चाहे शिक्षक की भर्ती रही हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन में इतनी भ्रष्टाचार थी कि 86 एसडीएम की पोस्ट थी जिसमें 56 यादव हुए थे एसडीएम। यही मेरे गांव के बगल के रहने वाले डीजीपी जगमोहन प्रसाद रहे, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी थे, उनके लड़के, उनके दामाद, उनकी लड़की सब टॉप किए थे। और एक वर्ग के, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ऊपर भी एफआईआर हुआ था, परीक्षा नियंत्रक जेल जा चुकी थी, एकदम घोर अत्याचार हुआ था और गुंडागर्दी तो मान लीजिए अखिलेश के सरकार पे चरम पर थी। थाने के दरोगा मारे जाते थे, गांव के एक यादव अगर प्रधान है तो अपने आप को अखिलेश और मुलायम समझता था उस समय। तो योगी जी के सरकार में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सारे गुंडागर्दी समाप्त हो गई, सारे करप्शन समाप्त हो गए हैं, नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ होता था वो सारे खिलवाड़ बंद हो चुके। और आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कहां से आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? इसी गवर्नमेंट में तो ईमानदारी से नौजवान रोजगार पा रहा है,
हम ये जानना चाहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश चुनाव कवर करने के लिए तमाम जगहों का सर्वे किया, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, मड़ियाहू विधानसभा में भी मैं गया, वहां तमाम लोगों से मैंने बातचीत की। 95% लोग आपको पसंद करते हैं, उसके पीछे की क्या वजह है? क्या आप वहां के क्षेत्रीय हैं इस वजह से, या लोगों के दिल में आपने इतनी जगह बनाकर रखी है और लोगों के हर सुख दुख में आप सहभागी बने हैं, इस वजह से लोगों में आप इतने लोकप्रिय हैं? आप इस पूरे लोकप्रियता को जो लोगों के दिल में आपने बनाकर रखी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पहले ही आपसे मैं बता चुका हूं कि ये मेरा लोकल विधानसभा रहा है, और जब 2010 में मेरी पत्नी यहाँ ब्लॉक प्रमुख थी तो पारसनाथ यादव यहाँ गद्दावर नेता थे जी, समाजवादी के बड़े बड़े नेता थे, वो कैबिनेट मंत्री थे, सांसद थे, कई बार मैं उनके पत्नी को चुनाव हराया जी, इंडिपेंडेंट मेरी पत्नी है ब्लॉक प्रमुख जी। तो ये मेरा मड़ियाहू, ये 2010 की बात है, आज 12 साल हो गए लगभग, तो मैं 12 साल से मैं निरंतर मैं मड़ियाहू में हूँ, हर हर गांव गांव, वो चाहे जो वर्ग हो, हर घर हर गांव में पहुंच चुका हूँ। कई बार मैं यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम कराए हैं, उस समय मैं अमर सिंह से जुड़ा था, तो मैं यहाँ एक छत्री महासभा में भोज करवा था, पूर्वांचल स्वाभिमान सम्मेलन में करवा था, 40-40, 50-50 हजार लोग आए थे उसी मड़ियाहू विधानसभा में जमालापुर में, तो एक बड़ा कार्यक्रम मैं करवाया हूं, और अकेले अपने दम पर 25,000-40,000 की भीड़ किसी दल उससे हट के, तो उसमें पूर्वांचल स्वाभिमान सम्मेलन के एक रथ लेकर अमर सिंह निकले थे, माननीय अमर सिंह जी, मैं उनके काफी नजदीक रहा हूं, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे हैं, तो मैं वहां 40-40, 50-50 हजार की मैं अकेले अपने दम पर मैं भीड़ इकट्ठा किया हूं। तो मुझे घर घर बच्चा बच्चा जानता है, और मेरे नेचर और मेरे स्वभाव को पूरा जनपद जानता है, 2-4 जिला जानता है, मेरी दल जानता है, पार्टी जानता है, मैं लो, हम लोग छात्र राजनीति के हैं, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर पाते, और जब किसी व्यक्ति की पहचान जो बनती है, 1-2 दशक लगता है पहचान बनने में, हम लोग थाने और तहसील की राजनीति नहीं करते हैं जी। कि छोड़ भैया राजनीति के चक्कर, और जहां है तो है, दिल खोल के है, ईमानदारी से, किसी के कोटी कोटा का, किसी के लोकल, किसी प्रधान या कोटी कोटा के चक्कर में या डाण मेड़ खेत की अरे चक्कर में हम लोग लोकल कभी नहीं, जो आया न्याय किए, समाज में स्पष्ट बोलिए, 10 लोग जुड़ेंगे 10 लोग बिगड़ेंगे, लेकिन समाज में जब आप सही बोलेंगे वही आपको एक नजीर बनती है, तो मैं उस रास्ते पर काम करता हूं, मेरा लोकल कहीं इंटरफेयर नहीं रहता है, हमारे लिए हर वर्ग बराबर है, जो मेरे यहाँ आया, जो जिसको न्याय देना है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, मैं सबको लेकर चलता हूँ, एक समान नहीं है कि ब्राह्मण है ठाकुर है, मेरे लिए जितना उनका महत्व है उतना कोई एक SC आ गया, अदर बैकवर्ड आ गया, वही महत्व, मैं सबको यहाँ सम्मान किया हूँ, इसलिए मेरी लोकप्रियता रही है, इसलिए जनपद में मेरी लोकप्रियता है, इसलिए मेरे विधानसभा में मेरी लोकप्रियता है। मनोज सिंह जो बोलेंगे सही बोलेंगे, सामने बोलेंगे, खर बोलेंगे जी। और वही एक नजीर बनती है, इसीलिए लोग मुझे लाइक करते हैं। हाँ, कुछ क्षणिक जो दलाल टाइप लोग हैं, कुछ क्षणिक लोग मुझे नापसंद करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। कुछ कुर्ता पैजामा पहने लोग मुझे नापसंद करेंगे जी। जो मुंगेरी लाल के सपना देखते हैं, तो वो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे 90% जनता मुझे जानती है, इसलिए मुझे खुशी भी है और गर्व भी। तो ये थे हमारे साथ मनोज सिंह जी, मड़ियाहू विधानसभा से बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर जनता ने भरोसा जताया इन पर तो विकास का वो रास्ता अपनाएंगे जिससे सबका साथ और सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसको पूरी तरह से सही साबित किया जा सके, और साथ ही साथ लोगों में वो इतने लोकप्रिय क्यों हैं, उसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि हमने सबको एक समान देखा, कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।